मोहम्मद यासिन मेमन। ये उर्स के उपलक्ष्य में इस साल बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये उर्स जो है ये 40वां उर्स हम लोग मना रहे हैं, ये हर साल मनाया जाता है। इसमें जो है ये हमारे कब्रिस्तान के अंदर में जो हमारे बुजुर्ग हैं जो लेटे हुए हैं सैयद महमूद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके मज़ार उसके अंदर में है और उसी का सालाना उर्स हम हर साल मनाते हैं और उसी के लिए फिर इस बार भी इकट्ठा हो रहे हैं। जी सर, थैंक यू। अरे बोलो ना उनको सर, ये जो आ रहे हैं उर्स के लिए, तो बाहर से कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम है? बाहर से हमारे पीर साहब वगैरह आ रहे हैं जो कि वो लोग पहुँचेंगे रात को, कल मेन प्रोग्राम हमारा है। अच्छा सर, और आज तो बच्चों का कंपटीशन है नाती पार्क का, है ना? तो सर कौन कौन आ रहे हैं बाहर से? मतलब बाहर से हमारे पीर साहब आ रहे हैं। पीर साहब कितने लोग आएंगे सर? दो लोग आ रहे हैं, एक रायपुर से आ रहे हैं, एक तो चकंदरपुर से आ रहे हैं। सर आपका नाम? महेश सैदा। तो सर ये दो दिन और क्या क्या प्रोग्राम होगा? ये इसके माध्यम से जिनका है अली शाह जी सूफी विचार के रहे और सूफी और भक्ति आंदोलन का भारत में एक बहुत बड़ा रोल रहा, प्यार का संदेश है, एक उदारता का संदेश, एक मानवता का संदेश जो आज को देश को जरूरी है, तो उनके बताए रास्ते पर हम चलें, हजरत के बताए रास्ते पर चलें, है ना, उनके बताए रास्ते पर, तो यही एक सबसे बड़ा संदेश होगा, मानवता का संदेश होगा, है ना, इनके रास्ते पर हम चलेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्स हर साल की तरह इस साल भी लगता है बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हम भी लोगों को अपील करेंगे और ज़रूर आए और ज़रूर सुने और उसके बारे में सोचे और उसको भी अमल करें। चलिए।